हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी तैयारी कंप्यूटर साइंस और एचटीटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की, वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। यानी कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि इनफिक्स नोटेशन को जो है पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हल्का सा डिस्कशन है, इसको देख लिया जाए। तो यही लिखा है कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है उसका कॉमनली यूज होता है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, द एल्गोरिदम फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन टाइपिकली इन्वॉल्व्स स्कैनिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये जो है जो कन्वर्ट होता है, ये जो है एल्गोरिदम को जो है स्कैन करता है लेफ्ट टू राइट प्रिसीडेंस में। ठीक है, यही इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब आगे आते हैं, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा जो है रियर से जो है डेटा ऐड होगा और फ्रंट से जो है डेटा डिलीट होगा, उसको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्यू। यानी क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है जिसमें डेटा जो है वो ऐड होता है रियर से और फ्रंट से जो है डिलीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो है डेटा ऐड जो है वो रियर से होता है और डिलीट जो है वो फ्रंट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन है, डिस्कशन देख लिया जाए। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें डेटा जो है रियर से ऐड होता है, ठीक है, और फ्रंट से जो है डेटा रिमूव होता है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में डेटा जो ऐड होता है रियर से उसे इनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है, और डेटा रिमूव होता है फ्रंट से उसे डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जहाँ पे जो है एलिमेंट जो है जो पहले ऐड होगा वो एलिमेंट ही जो है पहले रिमूव होगा। अब फिर है स्टैक के बारे में, तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लिफो को फॉलो करता है। ठीक है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। जहाँ पे जो है एलिमेंट जो है लास्ट में ऐड होता है, ठीक है, और जो एलिमेंट जो है लास्ट में ऐड होगा वही एलिमेंट जो है सबसे पहले रिमूव भी होगा। और लिंक लिस्ट जो है ये स्टैक और क्यू दोनों डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया कि बताइए क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लिफो, ऑप्शन सी है लीलो, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल को, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देख लीजिए दोस्तों, क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को। जहाँ पे जो है एलिमेंट जो पहले ऐड होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव भी होगा। ठीक है, दिस मीन्स डैट द ओल्डेस्ट एलिमेंट्स इन द क्यू आर प्रोसेस्ड फर्स्ट। यानी कि जो ओल्डेस्ट एलिमेंट रहेगा क्यू में वही जो है सबसे पहले प्रोसेस्ड होगा। सिमिलर टू ए वेटिंग इन ए लाइन और क्यू इन ए रियल लाइफ। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एकदम सिमिलर होता है, जैसे कि किसी लाइन में खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्यू जो रियल लाइफ का क्यू होता है वही क्यू जो है यहाँ भी होगा। अब है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है क्या यूज करता है। ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लिफो, ऑप्शन सी है लीलो, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या यूज करता है। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लिफो प्रिंसिपल को यूज करता है।
स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है ये लीफो प्रिंसिपल को यूज करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। वेयर द एलिमेंट डैट इज एडेड लास्ट इज द वन डैट गेट्स रिमूव्ड फर्स्ट, यानी कि जो एलिमेंट को जो है लास्ट में ऐड किया जाता है वही एलिमेंट को जो है सबसे पहले रिमूव किया जाता है। दिस मीन्स डैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, सिमिलर टू ए स्टैक ऑफ प्लेट्स वेयर यू कैन ओनली रिमूव द टॉप प्लेट एट एनी गिवन टाइम। तो ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता क्या है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में कि जो एलिमेंट जो है सबसे रिसेंट में ऐड किया जाता है वही एलिमेंट को जो है सबसे पहले रिमूव किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप पार्टी में जाते हैं तो वहाँ प्लेट्स का जो स्टैक लगा रहता है, तो जो प्लेट जो है सबसे टॉप में जिसे इंटर किया जाएगा, जिसे सबसे टॉप में ऐड किया जाएगा, उसी स्टैक को जो है, उसी प्लेट को जो है सबसे पहले रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसी को जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल कहते हैं। अब है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर, तो कंस्ट्रक्टर जो है कब कॉल्ड होता है। ऑप्शन ए है एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी ए क्लास इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। यानी कि एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल्ड होता है जब जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके फ्रेंड्स, एक कंस्ट्रक्टर जो है तभी कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डिस्कशन है। कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब जो है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट एंड परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप ऑपरेशन। और कंस्ट्रक्टर का यूज जो है किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए और किसी नेसेसरी सेटअप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है तभी कॉल होगा जब जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफॉल्ट, यानी कि C++ में स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं। C++ में जो है स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं। ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों C++ के स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। C++ स्ट्रक्चर के जो है जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है पब्लिक होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि C++ में जो है क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था उसमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा था, अब यहाँ क्लास के बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइवेट, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइवेट, यानी कि C++ के क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ठीक है, C++ के क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है प्राइवेट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन C++ व्हाट डज ए क्लास होल्ड, C++ में है क्लास जो है क्या होल्ड करता है। ऑप्शन बी ए है एरे, ऑप्शन बी है डेटा, ऑप्शन सी है डेटा एंड फंक्शन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डेटा एंड फंक्शन, इसका आंसर हो जाएगा डेटा एंड फंक्शन, यानी कि C++ का क्लास जो है दोस्तों वो होल्ड करता है डेटा एंड फंक्शन को।
सी प्लस प्लस का क्लास जो है वो होल्ड करता है डेटा एंड फंक्शन को। अब आते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज। सी प्लस प्लस के क्लास में कितने जो हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3, यानी कि सी प्लस प्लस क्लास के जो है 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, यानी कि सी प्लस प्लस क्लास के जो है ठीक है 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं 3? तो पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये 3 स्पेसिफायर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। पब्लिक क्या होता है? तो जो भी मेंबर्स जो है, मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पब्लिक में क्या होता है? तो जो भी मेंबर्स जो है वो पब्लिक डिक्लेयर किया गया है तो वो एक्सेसिबल होता है आउटसाइड द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो है वो आउटसाइड द क्लास भी जो है एक्सेसिबल होता है। किसमें? तो पब्लिक में। पब्लिक में क्या होता है? तो जो भी मेंबर्स है जो पब्लिक डिक्लेयर किया गया है वो मेंबर जो है क्लास के आउटसाइड भी जो है वो एक्सेसिबल होता है ऑब्जेक्ट की मदद से। अब है प्राइवेट। तो जो भी मेंबर्स प्राइवेट डिक्लेयर्ड होते हैं, जो भी मेंबर्स जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं ओनली विद इन द सेम क्लास एंड नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो दोस्तों, जो भी मेंबर्स जो है जो प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं वो क्लास विद इन द सेम क्लास में ही जो है वो एक्सेसिबल होते हैं और क्लास के बाहर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। अब है प्रोटेक्टेड। तो जो भी मेंबर्स जो है प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होता है वो मेंबर्स जो है डिक्लेयर होता है सेम क्लास में और डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। एक बार और देख लीजिए, पब्लिक में क्या होता है? तो जो भी मेंबर्स पब्लिक डिक्लेयर होते हैं वो क्लास के आउटसाइड भी एक्सेसिबल होते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, जो भी मेंबर्स पब्लिक डिक्लेयर होते हैं वो क्लास के आउटसाइड भी जो है एक्सेसिबल होते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। फिर है प्राइवेट। तो जो भी मेंबर्स प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं वो जो है विद इन द सेम क्लास ही जो है वो एक्सेसिबल होते हैं और क्लास से बाहर जो है प्राइवेट के मेंबर्स डिक्लेयर एक्सेसिबल नहीं होंगे। फिर है प्रोटेक्टेड में। तो जो भी मेंबर्स जो है जो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है वो एक्सेसिबल होता है विद इन द सेम क्लास और डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, जो भी मेंबर्स जो है प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है वो एक्सेसिबल होता है विद इन द सेम क्लास और डिराइव्ड क्लास में। अब है विच ऑफ द फ्लॉबिंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इज सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ जो ऑप्शंस में जो सिंबल्स दिए गए हैं ये सभी सिंबल्स में जो है किस सिंबल का यूज करके जो है सी प्लस प्लस के डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लास के मेंबर को जो है एक्सटर्नली किसका यूज करके जो है किया जाता है डिफाइन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इट मींस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके जो है हम लोग सी प्लस प्लस के क्लास के मेंबर को एक्सटर्नली एक्सेस करते हैं, एक्सटर्नली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल जो है, इस सिंबल को याद रखना है, इसको जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं और इसी सिंबल का यूज करके जो है सी प्लस प्लस के क्लास के मेंबर को जो है एक्सटर्नली एक्सेस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब है विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। सी प्लस प्लस का जो है कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है रिटर्न कोड का रीयूज किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव।
तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इनहेरिटेंस, यानी सी प्लस प्लस में जो है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम लोग रिटर्न कोड को रीयूज करते हैं। सी प्लस प्लस में जो है इनहेरिटेंस जो है उसका यूज जो है हम लोग कर इनहेरिटेंस का यूज करके जो है रिटर्न कोड को रीयूज करते हैं। ठीक है, तो अब है देख लीजिए इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस जो है एक क्लास को अलाउ करता है ताकि वो जो है अनदर क्लास के बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी को जो है इनहेरिट कर सके। यानी कि इनहेरिटेंस जो है अलाउ करता है किसी भी सब क्लास को कि वो जो है पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास के जो है बिहेवियर या प्रॉपर्टी को जो है इनहेरिट कर सके और कोड को जो है रीयूज करने का फीचर्स प्रोवाइड करें, और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मॉड्युलरिटी को भी प्रमोट करें। अब है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है इनलाइन फंक्शंस के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन। ऑप्शन ए है ये एग्जीक्यूशन के स्पीड को स्पीड अप कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन बी है इट स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन। ऑप्शन बी है कि एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन कर देता है। ऑप्शन सी है इट डिक्रीजेज द कोड साइज, ये जो है कोड साइज को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनलाइन फंक्शन के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो होगा इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, इनलाइन फंक्शन के बारे में जो है जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, यानी कि ये जो है एग्जीक्यूशन के स्पीड को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शंस जो है इनलाइन फंक्शंस कैन पोटेंशियली स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम बिकॉज दे इलिमिनेट द ओवर हेड ऑफ फंक्शंस कॉल बाय इंसर्टिंग द फंक्शंस कोड डायरेक्टली एट द कॉल साइट। दिस कैन रिजल्ट इन फास्टर एग्जीक्यूशन एज इट एवॉइड्स द फंक्शन कॉल ओवर हेड। तो इनलाइन फंक्शन यही है कि एग्जीक्यूशन को स्पीड को ये बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि ये जो है फंक्शंस कॉल के ओवरहेड को जो है इलिमिनेट कर देता है बाय इंसर्टिंग द फंक्शंस को डायरेक्टली एट द कॉल साइट। ये जो है फंक्शंस कोड को जो है डायरेक्टली कॉल साइट पर जो है इंसर्ट कर देता है, जिससे कि जो है स्पीड्स अप जो है एग्जीक्यूशन का जो है स्पीड्स जो है वो अप हो जाता है। अब है सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड्स फॉर। सी प्लस प्लस में जो है सी आउट का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन है क्लास आउटपुट, ऑप्शन बी है कैरेक्टर आउटपुट, ऑप्शन सी है कॉमन आउटपुट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो सी आउट में जो है सी प्लस प्लस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सी प्लस प्लस का फुल फॉर्म जो है वो होता है कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है दोस्तों, सी प्लस प्लस में सी आउट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरेक्टर आउटपुट। अब है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डैट डायरेक्ट से कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, जो कंप्यूटर को डायरेक्शंस देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट्स करता है उसे जो है प्रोग्राम कहा जाता है, उसे जो है प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम, उसे जो है प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रोग्राम इसका आंसर भी है। अब आगे जानते हैं, डिस्कशन है ये प्रोग्राम के बारे में। तो ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर ऑन व्हाट टास्क टू प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है कि अब कौन से टास्क को जो है परफॉर्म करना है। इट इज टाइपिकली स्टोर्ड इन मेमोरी और स्टोरेज एंड इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। और ये जो है प्रोग्राम जो है ये मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइस में जो है ये स्टोर रहता है और ये एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड, जैसा कि जो है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसी अनुसार जो है ये जो है एग्जीक्यूट करता है। वाइल मेमोरी एंड स्टोरेज आर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेमोरी था और ऑप्शन बी जो स्टोरेज है, ये दोनों जो है इसके बारे में कह रहा है कि मेमोरी और स्टोरेज जो है कंपोनेंट्स होता है जो कि स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग प्रोग्राम में जो है इसे यूज किया जाता है। अब है कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, अब है ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है सिस्टम फ्लो चार्ट को, ऑप्शन बी है प्रोग्राम फ्लो चार्ट को, ऑप्शन सी है एल्गोरिदम्स रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा एल्गोरिदम्स रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो हो जाएगा एल्गोरिदम्स रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में देख लीजिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है कंसिस्ट करता है, इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है एल्गोरिदम्स भी कहा जाता है, जो कि रिटेन किया जाता है स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि अब कौन सा टास्क जो है परफॉर्म करना है। वाइल फ्लो चार्ट बोथ सिस्टम एंड प्रोग्राम फ्लो चार्ट कैन बी यूज एज विजुअल एड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम, दे आर नॉट द प्रोग्राम इट सेल्फ, दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम्स लॉजिक इन ए ग्राफिकल फॉर्मेट। तो ये जो है फ्लो चार्ट जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये जो है प्रोग्राम के लॉजिक को जो है ग्राफिकल फॉर्मेट में जो है डिनोट करता है। अब है द टोपोलॉजी विथ हाइएस्ट रिलायबिलिटी इज, वो टोपोलॉजी जिसका रिलायबिलिटी जो है सबसे हाइएस्ट होता है वो कौन सा टोपोलॉजी होगा। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो वो टोपोलॉजी जिसका रिलायबिलिटी जो है सबसे हाइएस्ट होता है उसे जो है मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। वो टोपोलॉजी जिसका रिलायबिलिटी जो है सबसे हाईएस्ट होता है उसे जो है मेस टोपोलॉजी कहा जाता है। अब है इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन, अब है इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन, ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है होस्ट टू होस्ट में किसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है होस्ट टू होस्ट जो है किसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर के द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा, ऑप्शन सी है सेशन लेयर के द्वारा। तो दोस्तों एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है होस्ट टू होस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है होस्ट टू होस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ओ एस आई मॉडल में होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए होस्ट टू होस्ट में। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये इंश्योर करता है कि डेटा पैकेट जो है रिलायबली जो है डिलीवर हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन में, और ये जो है इश्यू को भी हैंडल कर रहा है जैसे कि पैकेट लॉस, सीक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल। इस इश्यू को भी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करता है। याद रखना है दोस्तों, पैकेट लॉस, सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल, साथ साथ इस हैंडल को भी इश्यू करना इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और नेटवर्क लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर जो है लेयर थ्री होता है ओ एस आई लेयर का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग पैकेट को जो है डिफरेंट नेटवर्क पे जो है सेंड करने के लिए। और सेशन लेयर जो है ये ओ एस आई लेयर का पांचवा लेयर होता है, यानी कि सेशन लेयर जो है ओ एस आई लेयर का लेयर फाइव होता है, जो कि मैनेज करता है कम्युनिकेशन सेशन को एप्लीकेशंस के बीच में। ठीक है,
तो याद रखना है दोस्तों, एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है होस्ट टू होस्ट में प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है साथ में ये भी जो है इंश्योर करता है कि पैकेट लॉस ना हो, सीक्वेंसिंग ना हो और फ्लो कंट्रोल ना हो। अब है द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेज्ड मैसेजेज एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। तो क्या मेजर करता है नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेज्ड मैसेजेज को एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। ऑप्शन ए है रेसिड्यूअल एरर रेट, ऑप्शन बी है ट्रांसफर फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी है कनेक्शन रिलीज फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा रेसिड्यूअल एरर रेट। इसका आंसर हो जाएगा रेसिड्यूअल एरर रेट, यानी कि रेसिड्यूअल एरर रेट जो है ये मेजर करता है नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेज्ड मैसेजेज को एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। अब है ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर, यानी कि अब जो है एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है किसके लिए जो है वो नीडेड नहीं होता है। ऑप्शन ए है ईमेल, ऑप्शन बी है ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ऑप्शन सी है सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लैन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जो है वो टाइपिकली ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो होता है ईमेल भेजने में। हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जो है जनरली जो नीड है वो नहीं होता है, वो होता है ईमेल भेजने में। अब है ए विच टोपोलॉजी यूजेज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेज टुगेदर, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी जो है जो सिंगल कनेक्शन यूज करके सारे डिवाइस को जो है एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन ए है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। इसका आंसर है बस टोपोलॉजी, यानी कि बस टोपोलॉजी जो है एक सिंगल कनेक्शन को यूज करके जो है सारे डिवाइस को जो है एक साथ कनेक्ट कर देता है। बस टोपोलॉजी जो है सिंगल कनेक्शन का यूज करके जो है सारे डिवाइसेज को एक साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो बस नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देख लिया जाए। तो बस नेटवर्क टोपोलॉजी जो है दोस्तों सारे डिवाइसेज को जो है एक साथ कनेक्ट कर देता है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन पे, जिसे कि बस या फिर बैकबोन कहा जाता है। और ये सिंगल कनेक्शन जो है ये जितने भी डिवाइसेज होते हैं सबको लिंक करने का काम करता है। व्हेन ए डिवाइस वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क इट सेंड्स द डाटा ऑन टू द बस एंड ऑल अदर डिवाइसेज रिसीव द डेटा। तो बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है नेटवर्क पे, तो सबसे पहले जो है वो डिवाइस जो है अपना डेटा अपना डेटा जो है उस बस पे जो है कर देता है ट्रांसफ़र, और बस के माध्यम से जो है वो डेटा सभी डिवाइस को रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ए डैश इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज डेट आर इन ए वेरी क्लोज ज्योग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। तो पूछ रहा बताइए इसमें से कौन से नेटवर्क टाइप्स का जो है यूज किया जाता है, कौन से नेटवर्किंग डिवाइस का जो है यूज किया जाता है वेरी क्लोज ज्योग्राफिक एरिया, जैसे कि फ्लोर हो गया, फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग हो गया। तो इसमें जो है कौन से नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं, ऑप्शन ए है वैन का, ऑप्शन बी है लैन का, ऑप्शन सी है मैन का, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करके जो है वेरी क्लोज ज्योग्राफिक एरिया में जो है नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि याद रखना है दोस्तों वेरी क्लोज ज्योग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर ऑफ बिल्डिंग में जो है लैन नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब है लैन के बारे में। तो लैन का फुल फॉर्म ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज डेट आर इन क्लोज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी सच एज ए विद इन ए बिल्डिंग कैंपस और ए स्मॉल ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग। तो लैन जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट किया जाता है वेरी क्लोज ज्योग्राफिकल एरिया को, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर में कनेक्ट होना है नेटवर्क से,
या फिर एक कैंपस के अंदर या फिर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स में, तो इन सभी में जो है लैन का यूज होता है। और लैन के पास जो है टिपिकली हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये जो है रिसोर्स को भी शेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जैसे कि फाइल्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ठीक है। एमोंग द डिवाइसेज विद इन द सेम लोकल एरिया में जो है दोस्तों ये रिसोर्स शेयरिंग में भी जो है काफ़ी मदद करता है। अब देख लीजिए वैन के बारे में। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। ये जो है इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज और कंटिनेंट्स। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये जो है लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया में जो है नेटवर्किंग से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एक सिटीज के अक्रॉस हो गया, कंट्रीज को कनेक्ट करना है या फिर किसी कंटिनेंट को कनेक्ट करना है, तो इस सभी में जो है वाइड एरिया नेटवर्क का यूज पड़ता है। फिर है मैन, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये जो है कवर करता है लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को देन ए लैन। लैन से ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को जो है, ये लैन से ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को जो है वैन कवर करता है, सॉरी मैन कवर करता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मैन जो है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया जो है ये वैन से काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। और सच एज ए सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो मैन का जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया का यूज जो है किसी सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में किया जाता है, ठीक है। और लैन का इस्तेमाल जो है दोस्तों किसी वेरी क्लोज ज्योग्राफिकल एरिया में जो है लैन का यूज किया जाता है। तो बहुत सारा डिस्कशन जो हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो लैन भी देख लिया हमने, वैन भी देख लिया और मैन भी देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कंप्यूटर नेटवर्क में जो है IPv4 आईपी एड्रेस का साइज क्या होगा। तो सबसे पहले जान जाइए कि IPv4 होता क्या है। तो IPv4 जो है आईपी एड्रेस का ही एक वर्जन है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहा जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है, बताइए कंप्यूटर नेटवर्क में जो है IPv4 एड्रेस का जो है साइज क्या होगा। ऑप्शन ए है 8 बिट, ऑप्शन बी है 16 बिट, ऑप्शन सी है 32 बिट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा 32 बिट, यानी कि IPv4 आईपी एड्रेस का साइज जो है दोस्तों वो होता है 32 बिट का। यानी IPv4 आईपी एड्रेस का साइज जो है वो होता है 32 बिट का, ठीक है दोस्तों। तो IPv4 के बारे में इतना कुछ हो गया, याद रखना है IPv4 को जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं। इसका आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। और ये जो है अलाउज करता है अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस को, जो कि टाइपिकली रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 192.168.1.1। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है 32 बिट, ऑप्शन बी है 16 बिट, ऑप्शन सी है 48 बिट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज जो है वो होता है 48 बिट का। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज जो है वो होता है 48 बिट का। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म जो है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे कि हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मैक एड्रेस को जो है हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि असाइन किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस पे कम्युनिकेशन ऑन ए नेटवर्क के लिए। और इसका जो है मैक एड्रेस का साइज जो है दोस्तों वो 48 बिट का होता है, ठीक है। तो याद रखना है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी होता है, ठीक है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। और ये जो है हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। मैक एड्रेस को जो है हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो अब जो है
एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री कंप्यूटर फाइल्स, किसी कंप्यूटर फाइल्स में जो है इलीगल एंट्री जो होता है थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कम्युनिकेटर माइक्रो कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। तो इस इलीगल एंट्री का नेम क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है हैकिंग, ऑप्शन बी है डिकोडिंग, ऑप्शन सी है बीटिंग द सिस्टम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हैकिंग, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हैकिंग। हैकिंग जो है दोस्तों वो होता है एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर फाइल्स में जो है दोस्तों इलीगल एंट्री जो होता है उसे ही हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। अब है एक कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच है द एसेंशियल एबिलिटी टू। कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका एसेंशियल एबिलिटी क्या होता है? ऑप्शन ए है डैमेज डेटा, ऑप्शन बी है डैमेज प्रोग्राम, ऑप्शन सी है क्लोन इटसेल्फ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो उसका एसेंशियल एबिलिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका एसेंशियल एबिलिटी जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि कंप्यूटर वायरस जो है वो डेटा को डैमेज भी करता है, प्रोग्राम को डैमेज भी करता है और खुद का क्लोन भी बना लेता है, क्लोन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है यहाँ पे कॉपीइंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर हिच, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी किया जाता है बिना उसके ऑथर के परमिशन को, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लार्केंसी, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑप्शन सी है हाईवे रॉबरी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।